फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस. पॉइंट पी हमें गिवन है 2, 3. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. जब आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालने होते हैं तो यू आर टू सी द वाई कोऑर्डिनेट, और इसी का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या आएगा, दैट विल बी 2 यूनिट. उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वर्बली बता दो ये सारे मुझे. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2, यू आर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0, 6 एंड 0, -2. जब भी इस तरह से आपका कोई पॉइंट आएगा आपको उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसमें या एक्स वाली वैल्यूज सेम है या वाई वाली वैल्यूज सेम है. तो जो कोऑर्डिनेट सेम है वो तो डिफरेंस विल गिव यू 0. तो आपने सिंपली क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लें पॉजिटिव वैल्यू, तो दैट विल बी 8. पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये है, बट जब आपके एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो उस टाइम पे आप दूसरे कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेना, दैट विल गिव यू द डायरेक्ट आंसर. तो 6 और -2 है यहाँ पे, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8. और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव होगा. हाँ जी, नहीं क्यों, 0 - 0 होल स्क्वायर 8 आए, ये हट गया, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, दैट विल बी 8. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन 0, 0 कितना आएगा इनके स्क्वायर्स का सम. जब एक पॉइंट आपका 0 है, ओरिजिन है, तो डिस्टेंस उस टाइम पे अगर आप निकाल रहे हो सिंपली इनका स्क्वायर करके ऐड करो एंड फाइंड देयर रूट. 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 36 + 64 100 का रूट इज 10. सो 10 यूनिट्स इज योर आंसर. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 5 एंड -5, 0. अगेन सेम थिंग, अगर एक 0 है दूसरा नॉन 0 है तो इनके स्क्वेयर का सम अंडर द रूट. नेक्स्ट, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हमें गिवन है whose 3 वर्टिसेस आर रूट 50, 5 root 2. ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल whose 3 वर्टिसेस आर 0, 3, 0, 0, 5, 0. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, इस वाले क्वेश्चंस में क्योंकि जैसे आपकी अब एमसीक्यू की ऑप्शन आ रही है तो आप फिगर ड्रॉ करके भी जो आपसे जो भी कोऑर्डिनेट पूछा होगा यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली. 0, 3 ए गिवन है, बी गिवन है 5, 0 एंड ओ गिवन है 0, 0. यू आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. दिस इज ए ओ बी सी, ए ओ बी एंड सी. ए है आपका 0, 3, ओ इज 0, 0, बी इज 5, 0, यहाँ सी है आपका. एक्चुअल में ये उल्टे पुल्टे दिए हूँ मैं, अदरवाइज वैसे सीक्वेंस में आते हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली निकालिए क्या आएगा. ए ओ बी सी, ए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. यू आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. अब ये डिस्टेंस कितना आएगा, 3 यूनिट्स. ये डिस्टेंस कितना आएगा, 5 यूनिट्स. 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर दैट इज √34. ये आपका क्वेश्चन उसमें भी था, टेस्ट में भी था, ठीक है, और मोस्टली बच्चों का गलत था ये. नेक्स्ट, किससे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया है. डिस्टेंस से ले लो तो भी सेम आएगा, 5 - 0 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर 25 + 9 अंडर द रूट 34. ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीके से
हाँ से आंसर सेम आ रहा है आपका, जैसे मर्जी। मैंने वैसे पाइथागोरस से ही करवाया था, डिस्टेंस से भी कर सकते हो। हाँ जी, इसमें नहीं पता लगता। हाँ डेडलाइन के बाद ही विजिबल होता है, क्योंकि डेडलाइन से पहले अगर विजिबल हो जाएगा तो फिर एक बच्चा क्या करेगा, फटाफट आंसर करके वो ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, तो सभी के फिर 10 on 10, 12 on 12 ऐसे मार्क्स आएंगे, इसीलिए ये ऐप चूज की गई है। अच्छा बहुत ज्यादा। चलिए, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हमें निकालना है। वर्टिसेस गिवन है 0, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0, 3, 0। क्विकली फाइंड इट आउट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डिस्टेंस निकाल के नहीं करेंगे, निकाल के मुझे बताओ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, डू द कैलकुलेशन प्रैक्टिस। माइनर सी मिस्टेक मतलब 1 mark लॉस्ट। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AB कितना आया है? AB 4, BC 3 और AC 5। ठीक है, अब 5 + 4 + 3 पैरामीटर आ गया 12। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ये आपका डिलीटेड है, यू कैन लीव दिस। पॉइंट्स -4, 0, 4, 0 and 0, 3। These are the vertices of what type of triangle? Right triangle, isosceles triangle, निकाल लो। हाँ जी हो जाएगा। Right triangle, isosceles triangle, equilateral triangle और scalene triangle। हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस निकाल लो। AB कितना आया? 8, BC 5, AC 5, 5, 8 आ रही है। तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया हुआ है ना 8 में। Sum of the squares of any two sides will be equal to the square of the third side. The point which divides the line segment joining the points 7, -6 and 3, 4 in the ratio 1:2 lies in which quadrant? First, second, third or fourth? Anji. सेक्शन फॉर्मूला लगा के मान लो ये ए है, ये बी है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एंड टेल मी mx² = mx1 + ny2 + ny1 + n। द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6, 3, 4 इन द रेशियो 1, 2 इंटरनली lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant. Find the coordinates of P. One into 3, 2 into 7 and second wala aayega 1 into 4 and -12, -8/3. X positive aa raha hai, Y negative aa raha hai. कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी योर आंसर। पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, 5।
हाँ फॉर्मूले लिखाऊं एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2 तो आपका जो डिस्टेंस निकालना है आपने कैसे निकालोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर उसके बाद अगर मिड पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला पहले लेंगे पॉइंट्स गिवन है एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू और रेशियो गिवन है एम रेशियो एन तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे एक्स कॉमा वाई दैट विल बी गिवन बाय एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे ये ध्यान रखना जब एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं तो यहाँ एक्स वाली वैल्यूज लेनी है एम एन के साथ जब वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एम और एन के साथ आपने वाई वाली वैल्यूज लेनी ये है इफ इट इज डिवाइडिंग इंटरनली अगर मान लो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो माइनस का साइन आ जाए चारों केस ठीक है देन मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाय टू क्लियर अगर जो है वो गिवन है कि सेंट्रॉइड है मान लो पॉइंट आपको तो रेशियो टू रेशियो वन में वो डिवाइड उसके बाद ट्राइसेक्टेड है एक लाइन अगर ट्राइसेक्टेड है एक जगह पे ट्राइसेक्टेड मतलब थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है एक जगह पे आप वन रेशियो टू ले लोगे पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए और एक जगह आप जो है टू रेशियो वन ले लो पॉइंट्स दोनों निकालने पड़ेंगे अगर वो कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच अ गिवन लाइन इज ट्राइसेक्टेड ट्राइसेक्टेड मतलब वन रेशियो टू भी लेना है टू रेशियो वन भी लेना है इफ अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स पहले मिड पॉइंट निकालो इसका फिर इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट और इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट बस वो पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में ध्यान से लेने पड़ेंगे ट्राइंगल आइसोसेलेस शो करना है तो व्हाट विल यू डू सारी साइड की लेंथ निकाल लोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपकी जो है दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल स्केलिन के लिए ऑल द साइड्स विल बी डिफरेंट इक्विलेटरल के लिए ऑल द साइड्स विल बी सेम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दैट विल सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल गिवन पॉइंट्स से बन रही है या नहीं बन रही हाउ विल यू चेक दिस यू आर गिवन थ्री पॉइंट्स यू आर टू चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल और नॉट अगर सम ऑफ एनी टू साइड डिस्टेंस निकालोगे तीनों पॉइंट का अगर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस आ रहा है तो इट मींस दे आर कोलिनियर या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो से शो कर दोगे तो पॉइंट्स कोलिनियर है नॉन जीरो है तो पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल कौन सा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन विच अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स कर लो जैसे तो पहले पॉइंट ए और बी को लेके पॉइंट सी निकाल लोगे फिर ए और सी को लेके डी निकाल लोगे बी और सी को लेके ई निकाल फाइव आ जाएंगे तो आपके वो इक्वल पार्ट्स के लिए नहीं बनेगा इस वाले से नहीं बनेगा कुछ ना कुछ और गिवन होगा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे वो सिलेबस में नहीं है बट कोलिनियरिटी के लिए हम उसको यूज करते हैं हमें मान लो तीन वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मुझे चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल और दीज आर कोलिनियर तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट यूज करूंगी मुश्किल नहीं है मैंने इसलिए ये करवा दी है कोई भी पॉइंट पहले ले लो फिर सेकेंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट जो रह जाएगा हाँ और फिर जो आपने फर्स्ट नंबर पे लिया है सेम पॉइंट रिपीट करना है ये ध्यान रखना है उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जहां हम ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव जहां नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा वहां पे नेगेटिव हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर उसके बाद अगर एड का साइन है एड करो सब्ट्रैक्ट का साइन है सब्ट्रैक्ट कर लो
अगर ये इक्वल टू जीरो है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो पॉइंट्स आर फॉर्मिंग अ लाइन, क्या आपको जब कोलिनियरिटी चेक करनी है ना, कोलिनियरिटी के लिए डिस्टेंस निकालने की बजाय अगर आप इस मेथड से करोगे तो दैट विल सेव योर टाइम, तो गो फॉर दिस मेथड, क्योंकि एमसीक्यू में हमारा मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं वो चेक नहीं होगा, सिर्फ आंसर चेक होने, तो गो फॉर दिस मेथड, मुश्किल नहीं है इसलिए मैंने ये करवा दिया है, ठीक है। सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना वाला कंसेप्ट नहीं है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं आएगा, बट जहां पे कोलिनियरिटी आ गया तो यू आर टू गो फॉर दिस मेथड। नेक्स्ट है, पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, 5। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाए कर रहा है पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, 5 इज गिवन बाय पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 and 2, 5 is given by 0, 0, 0, 2, 2, 0, -2, 0। Perpendicular bisector क्या करते हैं? Bisect करते हैं two equal parts में। अब ये point अगर मैं लू तो this is lying on the perpendicular bisector or not? तो बस ये निकाल लो, ये क्या है, this is mid point, क्या आएगा 0, 0, 0, ठीक है। -2 + 2/2, 0/2 = 0, -5 + 5/2, 0/2 = 0। इफ द पॉइंट पी क्वेश्चन भी तो पता है ना, अभी पीरियड ओवर होता है तो आई विल डिस्कस, मैं बता देती हूँ। इफ द पॉइंट पी, मैं बोल लूं पॉइंट द फोर्थ वर्टेक्स बी ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें निकालना है एंड द थ्री वर्टिसेस वी आर गिवन, ए हमें गिवन है -2, 3, B गिवन है 6, 7, C गिवन है 8, 3 एंड वी आर टू फाइंड D। इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, AC का क्या आएगा 8 - 2/2, 6/2 दैट इज 3 और अगला 3 - 3 = 3 + 3, 3 + 3/2, दिस इज आल्सो 3। चलो मिड पॉइंट आ गया। अब हाँ, x + 6/2 = 3, तो x कितना आ गया 0 और इधर से तो पॉइंट क्या आ गया आपका 0, -1। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, हमें एक पॉइंट पी गिवन है, ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ तो यू कैन रिवाइज देम एट होम। हाँ जी, आज अभी थर्ड पीरियड में किए हैं मैंने, कल थर्ड चैप्टर था, आज इस चैप्टर के अभी आई थिंक 23 क्वेश्चंस मैंने सेंड कर दिए हैं, 31 में या नेक्स्ट पीरियड में या इवनिंग में। हाँ जी, तो फिर क्या हो गया, जितने करो कम में, प्रैक्टिस ही करनी है बेटे, मैथ्स में है ही प्रैक्टिस, कंसेप्ट अगर क्लैरिटी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड वन थिंग मोर, आपका जो पेपर होगा दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, स्टेटमेंट
मे बी एनसीईआरटी वाली हो, मे बी एक्स्ट्रा आए, बट वो सारा जो है बेस्ड आपका कंसेप्ट पे होगा. सो गो थ्रू योर थ्योरी पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी थॉरली. जो भी आएगा दैट विल बी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ बुक ओनली. कुछ भी आ सकता है. डेफिनेशन एमसीक्यू की फॉर्म में अगर बनती है तो इट कैन एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएगा जो भी आए. ठीक है ना. फॉर्मूला भी आपका आ सकता है. मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ. किसी ना किसी फॉर्म में गिवन होगा वो आपका. हाँ जी बुक पढ़ी है मैंने. आई थिंक उस टाइम पे बताया भी था ये. मैंने हाईलाइट किया था. जरूरी नहीं है इसी चैप्टर में हो. बुक पूरी पढ़ो. अच्छा चलो अब वापिस आओ इधर. पॉइंट पी हमें गिवन है दैट इज दैट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, 2. And 8, 4. Point P lies on this, and you are to show, choose the options from these. First option कह रही है कि AP जो है that is 1/3 times AB. Second option is saying AP is equal to PB. According to the third option, we are having PB is 1/3 of AB. And AP is half of AB. जैसे मर्जी करो that is your choice. मुझे आंसर से मतलब है. क्या करना है. ओके क्या आएगा. AP कितना आएगा. AP बताओ पहले. थ्री आएगा. बिल्कुल ठीक है. देन पी बी. वर्बली कर लेना चाहिए ये आपको. ऑरली करो इसको. 8 - 1 = 7 square 49. 4 - 2 = 2 square 4 49 एंड 4 गिव यू अंडर द रूट. चलो ए बी. चलो अब बताओ. फर्स्ट ऑप्शन ए पी इज 1/3 टाइम्स ए बी. अगली. एक सेकेंड क्योंकि यहां कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर रही. दिस इज योर 2, 1. अदरवाइज कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगी. 2, 1, 4, 2, 8, 4. चलो अब बताओ. एपी फिर कैलकुलेट करो. कैलकुलेट दिस अगेन. एपी सेम क्यों है. एपी 4 - 2 square is 4 +1, 5 अंडर द रूट. एम आई राइट. हां जी जया क्या आया. चलो पी बी 4 - 1 square 9 8 - 2 square 36 36 + 9 is √45 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 √5 9 5 = 45. अब ए बी निकाल लो. ए बी तो वही रहना था जो आया था पहले 2 √5 था. चलो अब बताओ. फर्स्ट ऑप्शन चेक करो. ए बी ए पी इज 1/3 ऑफ ए बी. ए पी क्या है √5 और 1/3 ऑफ ए बी क्या है 2 √5. आर दिस इक्वल. तो ये ऑप्शन आपकी क्रॉस हो गई. सेकंड चेक करो. ए पी इज इक्वल टू पी बी. नो. थर्ड ऑप्शन पी बी क्या है 3 √5
दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 2√5, इज इट करेक्ट? नेक्स्ट चेक करो डी ऑप्शन, एपी कितना है? √5, एंड दिस इज 1/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ √5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 इक्वल टू √5, तो ऑप्शन एक क्वेश्चन को अगर इतना टाइम लगेगा तो ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट। पी पॉइंट हमें गिवन है a/3, 4, एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पॉइंट पी है a/3, 4, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ -6, 5 एंड -2, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बताइए, कल वाला एक याद आ गया मुझे, होमवर्क पार्ट कर लिया वो? कौन सा मैम? हाँ जी, क्या करें? पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप बताओ क्या है? मेरे पास तो ऑप्शंस, आई एम नॉट हैविंग द आंसर्स। ऑप्शंस बता देती हूँ मैं, -4, -12, +12 एंड -6। -12, चलिए कैसे आया? -6 आपको एक्स वन में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें अननोन क्वांटिटी है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, -6, -2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट गिवन टू अस। सो ये आ गया -8 × 3, -24/2, दैट इज -12। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी -12। अच्छा, अगला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a/1, 5 एंड b/4, 6। Perpendicular bisector of this cuts the y-axis at आगे ऑप्शन, दिस कट्स द y-axis at आगे ऑप्शन। ऑप्शन बता देती हूँ मैं, 0, 13, 0, -13। हाँ जी, अभी तो आप कह रहे थे आता है, तो अब बताओ फिर, why are you asking the statement again? मुझे बोलने भी नहीं देते, पहले ही आते हैं मैम। 0, 13, 0, -13, 0, 12 एंड 13, 0। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी कट्स द वाई एक्सिस एट। वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? 0, 13, 0, -13, 0, 12, 13, 0। Y एक्सिस को कट कर रहे, इट मींस X कोऑर्डिनेट 0, ये ऑप्शन गई। अब इन तीन में चेक करना है। अब नेक्स्ट बताओ क्या करना है? (11/2) हाँ, मुझे नहीं पता, आपने कहा मैम आता है, तो अब आप ही बताएं। हाँ जी, ऑप्शन मेरे पास नहीं है बेटे, दिस इज ऑप्शन ए इज योर आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना योगदान दे सकते हैं, पता नहीं बैठे हुए होते हैं कि नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आए? मास्क कहाँ है जी आपका? ये देखने के लिए नहीं रखा हुआ। क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 5 एंड 4, 6 कट्स द वाई एक्सिस एट।
के रेशो क्यों, बाई सेक्टर है तो वो तो मिड पॉइंट ही होएगा। फिर उसको क्या करना है हमने, ये आता है तो बताइए फिर। मैंने तो करवाना ही नहीं क्योंकि आपने कहा, मेरा क्वेश्चन सुने बिना आपने कह दिया कि मैम आता है। हाँ जी मेहुल, ऑप्शन भी बता दी है मैंने, 0.13। थोड़ा सा सोचो, हाँ जी हाँ जी, कैसे किससे, हाँ एक सेकेंड, यू आर सेइंग कि हम इस पॉइंट को ले लें एक्स कॉमा 0 लेंगे, चलो ये ले लिया हमने 0, लेट अस सपोज वाई ले लिया, देन हाँ जी ले ली, आगे क्या आएगा, मिड पॉइंट है तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, पहले बात तो मुझे ये बताओ मिड पॉइंट डायरेक्ट निकल रहा है, आपने वो ऑलरेडी मुझे बता दिया मैम वो 11/2 आ रहा है, कुछ हुआ उससे, फिर सोचो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ये कंसेप्ट हमने किया हुआ है थोड़ा बहुत, उसी से देखो कैसे बनेगा। जल्दी जल्दी बोलो, हाँ जी क्या कह रहे हो आप हार्दिक, क्यों कोई रीजन तो हो ना, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो कोई तो रीजन हो उसके लिए, वही कंसेप्ट होते हैं आपके, बिना रीजन हम कुछ नहीं करते। एक्स तो जीरो है ही है, वाई हमने निकालने, और गिवन क्या है हमें, दिस इज गिवन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं नहीं बता रही आप अपने आप देखो, वो तो हुए ना हुए एक बराबर, चलो बोल लो आप, ही विल स्कोर हिज मार्क्स, यू आर टू स्कोर योर मार्क्स, राइट बाइसेक्टर गिवन है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें गिवन है, कैसे लगाएंगे चलो वो भी बताओ फिर। काफी क्लोज आंसर दिया था हार्दिक आपने, ट्राई करो उसको, एक बार मैं दोबारा बोल रही हूँ शायद इससे आपको क्लियर हो जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स द वाई एक्सिस एट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो 0, y पे कट कर रहे, एक पॉइंट ये आ गया मिड पॉइंट से, एक पॉइंट ये आपको गिवन है, एक पॉइंट हमने 0, y मान लिया, राइट ट्राइंगल बन रही है, यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, डू इट नाउ, करो बी क्विक बच्चे। उसने क्या कहा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट कट्स द y एक्सिस एट, मान लो ये इसको एक्स 0, y कट कर रहे, ये पॉइंट आ गया मिड पॉइंट है, क्योंकि क्या आया ये आपका 5/2 एंड 11/2, अब ये आपकी राइट ट्राइंगल बन रही है, क्या होता है राइट ट्राइंगल में, y की फॉर्म में बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी y की फॉर्म में,
सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू. हाँ जी, हाँ तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कंसेप्ट किया हुआ था आपने. हाँ तो वही तो, तभी तो मैंने कहा था कि दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इसीलिए कहा था. हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो कहा ही नहीं कि मैंने करवाया. चलिए अब अगले पे आइए. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी. ओके, ये आपको मैंने पीडीएफ सेंड की हुई है, अगले क्वेश्चंस खुद ट्राई करना. हाँ जी, एक सेकेंड बच्चे, विद दिस योर लेक्चर इज ओवर. यू आर टू ट्राई द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द पीडीएफ. टुमारो आई विल टेक योर डाउट्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.